अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी। आवर टॉपिक इज स्टोरी थर्स्टी क्रो, यानी प्यासा कौवा। इसे हम स्टार्ट करते हैं, मैं इसकी रीडिंग आपके लिए करती हूँ। इट वॉज अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन था। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, एक कौवा बहुत प्यासा था। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुँह खुश्क हो चुका था। हिज थ्रोट वॉज बर्निंग, उसका गला जल रहा था। He flew from place to place in search of water. वो एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में उड़ रहा था। But there was not a drop of water anywhere. लेकिन कहीं पे भी एक कतरा पानी का उसे नहीं मिल रहा था। Rivers and lakes had all dried up. दरिया और नहरें तमाम सब खुश्क हो चुकी थी। At last, आखिरकार he saw a jug of water near a house. आखिरकार उसे एक घर के नज़दीक एक जग पानी का मिला। ही वेंट टू दी जग एंड लुक्ड इनटू इट, उसने जग की तरह वो जग के पास पहुंचा और उसके अंदर झांका या देखा। देयर वॉज अ लिटल वाटर एट द बॉटम, उधर पानी बहुत कम पानी किनारे पे था। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड ऑन हिज माइंड, अचानक उसके जहन में ख्याल आया। ही पिक्ड अप स्टोन्स, उसने पत्थरों को उठाया वन बाय वन, एक एक करके फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से, एंड ड्रॉप देम इनटू द जग, और उन्हें जग में फेंकना शुरू कर दिया। सून द क्रो कुड रीच इट इजीली, जल्द ही कौवा उस तक आसानी से पहुंच सकता था। ही ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और उड़ गया। ये हमारी स्टोरी है थर्स्टी क्रो। आपने ये नीट करके अपनी नीट कॉपीज़ पे लिख लेनी है और इसे याद कर लेना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।